अजवाइन 1/4 टीस्पून, इसको मैं कूट लूँगी, इसका अच्छा सा पाउडर बनाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, आपने इसको स्किप नहीं करना। इस तरह से हमने इसको कूट लेना है। अब इसको हम एक साइड पर रखेंगे और लेंगे एक बाउल, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक प्याली बेसन की, और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक 1/2 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी और अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे। इसका स्मूथ सा हमने बैटर बनाना है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा बैटर बनाएंगे ना ही ज़्यादा पतला। इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे, जस्ट 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत ही अच्छी करनी है ताकि इसका जो कलर है वो लाइट सा हो जाए और ये थोड़ा सा हल्का हो जाए। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 15 मिनट तक, उसके बाद हम देखते हैं। तो इसको रखे हुए मुझे 15 मिनट हो गए। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा आपने पहले नहीं इसमें ऐड करना, बाद में करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जर्दा कलर तकरीबन 1/4 टीस्पून, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास जर्दा कलर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा बैटर रेडी हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस तरह का हम चम्मच लेंगे जो हम नॉर्मल चावल में बनाने में यूज़ करते हैं, और इस तरह से इसके ऊपर हम अपना बैटर रख देंगे, और ऐसे ही हम बनाते जाएंगे अपनी छोटी छोटी सी फुल्कियाँ, बहुत ही मज़े की बनेंगी। आपने ध्यान रखना है कि इस टाइम आँच जो है वो लो कर देनी है आपने, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं बनाना, लो टू मीडियम आँच पर इस तरह से डालना है आपने इसको बैटर को। और अब जब बैटर इसमें चला जाए तो आपने इसकी आँच बिल्कुल लो कर देनी है, और लो आँच पर इनको पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर आ रहा है, और बहुत ही मज़े की हमारी फुल्कियाँ बन रही हैं। तो इनको बनाते हुए मुझे तकरीबन 6 मिनट हो गए, और हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो रेडी हो गई। अब मैं इनको निकाल दूँगी। अगर आपको चम्मच से करना मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरह से एक गिलास ले लें, इसके ऊपर पाइपिंग बैग रख लें, और फिर इसमें हम बैटर ऐड कर देंगे सारा। जो आपको तरीका आसान लगे आप वो कीजिएगा, मुझे तो ये वाला तरीका बहुत ही अच्छा लगता है, ईजी लगता है। इस तरह से हम कर देंगे, और नीचे से हल्का सा काट लेंगे, और इस तरह से हम इसमें फुल्कियाँ ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी फुल्कियाँ बन रही है, बहुत ही मज़े की। इस तरह से मैं सारा बैटर इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर बहुत ही मज़े की हमारी फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल दूंगी। ये देखिए कितना प्यारा सा, कितना मज़े का कलर आया है इनका, और बहुत ही क्रिस्पी सी बनी है ये। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार से हमारी फुल्कियाँ जो हैं वो रेडी हो गई। अब हम इनको निकाल देंगे, और फिर इनको हम ठंडा करेंगे। मुकम्मल तौर पर हमने इनको ठंडा करना है, फिर हम इनको स्टोर करेंगे। मैं आपको इनका क्रिस्पीपन भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी हो गई हैं हमारी फुल्कियाँ।
आलू लिए हुए तकरीबन 3 से 4 बॉयल कर लिए। अब इनको मैं इस तरह से कद्दूकस कर दूंगी, चॉप कर दूंगी अच्छे से। आप चाहें तो हाथों से भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू कद्दूकस कर लिए। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें लिया हुआ है मैंने ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर मैंने लिया हुआ है 1 टीस्पून, और ये आमचूर पाउडर ये भी मैंने 1 टीस्पून ही लिया। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी प्याज, एक छोटी साइज़ की प्याज थी, और इसको मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल दिया है, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी हरी प्याज थोड़ी सी, बिल्कुल भी चॉप की हुई, इसमें मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी सूजी 1 टेबल स्पून, ये इसका जो आलू का पानी है ये एब्जॉर्ब कर देगी, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्न स्टार्च तकरीबन 3 टेबल स्पून, और ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स, मैंने 3 ब्रेड की स्लाइस ली थी और इनसे क्रम्ब बना दिए थे, ये सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं इसी तरह से हमने इसको गूंदा है। तो यहाँ पर मैंने इसको गूंद लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून इसको चिकना बनाने के लिए। तो अब इसको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। तो यहाँ पर ये देखें ये मिक्स हो रहा है, कितना अच्छा सा हमारा बन गया है। अब इसके मैं बॉल्स बनाऊँगी छोटे छोटे से, आप जिस तरह का भी शेप दें जो आपको अच्छा लगे वो आप दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने ये बॉल बना देने, तो यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स बना दिए। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है कॉर्नफ्लोर तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और एक स्मूथ सा बैटर बना दूँगी, ना तो ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये देखें इस तरह से हमारे चम्मच नज़र आ रहा है, ऐसे ही मैं इसको बनाऊँगी। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो अपने बॉल्स बनाए थे, इस तरह से इसमें ऐड कर दूँगी, डिप करेंगे आप। और फिर ब्रेड क्रम्स में ऐड कर देंगे, इस तरह से कोटिंग कर देंगे। तो ये देखें कितने मज़े के हमारे बॉल्स बन रहे हैं, इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स जो है वो बना दिए। अब इनको मैं आधे घंटे तक फ्रीज़र में रखूँगी, उसके बाद ही हम इनको फ्राई करेंगे या फिर फ्रीज़ करेंगे। तो आधा घंटा हो गया, अब इनको मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। कुछ बॉल्स को हम इस तरह से फ्रीज़ करके रखेंगे। आपने एक डब्बा ले लेना है और इसको इस तरह से प्लास्टिक शीट से बंद कर देना है, और सारे बॉल्स इसमें रखने हैं जो आपने फ्रीज़ करने, और फिर इसको बंद करके हम फ्रीज़र में रख देंगे। और जब आपका मूड हो आप बना दीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। और आँच हमने इसकी लो टू मीडियम रखी है, लो टू मीडियम आँच पर हम इनको फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए, कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर आ गया। तो बहुत ही मज़े के हमारे पोटैटो बॉल्स बन के हो गए रेडी।
100 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने लिया हुआ, इसमें मैं ऐड कर दूंगी हाफ कप पानी और फिर इसके ऊपर कवर रख के लो आंच पर मैं इसको अच्छे से गलाऊंगी। जब ये गल जाएगा तो फिर हम इसके रेशे बना देंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो वही पैन मैंने लिया हुआ है जिसमें मैंने चिकन को गलाया था, उसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। बंद गोभी मैंने इसमें ऐड की है 1 प्याली चॉप की हुई, 1 मैंने छोटी साइज़ की शिमला मिर्च इसमें ऐड की है चॉप की हुई। इन सारी चीज़ों को लो आंच पर हमने सौते करना है 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी काली मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा और फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे लो आंच पर। और फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, आंच मैंने इसकी बंद कर दी है। पुदीना इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर दूंगी हरा धनिया और फिर इसमें ऐड कर दूंगी वो चिकन जो मैंने रेशे करके रख दिए थे। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो ये देखिए हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1/2 कप पानी, इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून मैदा। हमने इसकी लई बना देनी है, तो ये लई भी हमारी रेडी हो गई है। अब मैंने ये शीट ली हुई है समोसा पट्टी रोल पट्टी, इसकी मैंने रेसिपी दी हुई है अपने चैनल पर, आई बटन पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए मैं इसको फोल्ड कर दूंगी, रोल की और शेप दे दूंगी और फिर हम इस पर लई लगा देंगे। तो हल्का सा इसको दबा देंगे और हमारा रोल हो गया है रेडी। इसी तरह से हमने सारे रोल बना देने हैं। उसके बाद हम इनको करेंगे मीडियम आंच पर फ्राई। तो मीडियम आंच पर हमने इनको फ्राई करना है अच्छा सा प्यारा सा कलर देने तक। तो ये देखें इनका प्यारा सा कलर आ गया है, अब हम इनको निकाल देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इनका कलर आ गया है। तो बहुत ही मज़े के बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे रोल बन के हो गए रेडी। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिए मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।